आखिर कहाँ है योगी सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ सरकार को बने काफी वक्त गुजर चुका है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गुजरे कार्यकाल के दौरान सत्ता में काबिज होते ही प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का एक बड़ा दावा किया था। इस दावे ने शुरुआती दौर में तो खासी तेजी पकड़ी, लेकिन धीरे धीरे यह दावा सरकारी कागजों की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित होकर रह गया। जिम्मेदारों की अनदेखी और लापरवाह रवैये के चलते आज भी प्रदेश में तमाम ऐसी सड़कें हैं जो कई दशक गुजर जाने के बावजूद भी खस्ता हाल पड़ी हुई हैं। ऐसी एक तस्वीर जनपद महोबा से भी निकल कर सामने आ रही है, जिसने लापरवाह सरकार, अफसरशाही और उत्तर प्रदेश सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की पोल खोल कर रख दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान को सिरे से नकारती ये तस्वीर चरखारी तहसील के रिवई गांव और कबरई मार्ग के बीच की है। इस मार्ग की दूरी लगभग 30 से 40 किलोमीटर है। तकरीबन 15 साल से ये मार्ग यूं ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अगर सरकारी अफसरों द्वारा इस मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाता तो रिवई से कबरई तक का सफर लगभग आधे घंटे में तय किया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने की जगमत ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उठाई और ना ही इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सका। कई दशकों से इस सड़क के हालात जस के तस बने हुए हैं। सरकारी अनदेखी के चलते अब यह सड़क पूरी तरह बेहद खस्ता हाल हो चुकी है। कुछ दिनों पहले इस मार्ग में गड्ढों को ठीक करने के लिए सरकारी लीपापोती का काम शुरू किया गया था, जो कि समय गुजर जाने के साथ ही ठंडे बस्ते में जा पहुंचा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मार्ग में काकून में प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जो कि काफी विख्यात है। मंदिर में दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, जिन्हें खस्ता हाल पड़ी हुई सड़क के चलते मुसीबतों का सीधे तौर पर सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग यह आस लगाए बैठे हैं कि कभी न कभी तो इस मार्ग की जिम्मेदारी सुध लेंगे। अब देखना होगा कि आखिर योगी जी कब यहाँ की खस्ता हाल सड़कों को ठीक कराए जाने की सुध लेते हैं। पहले तो ट्रक चलते थे, इस वजह से रोड खराब रहा। अब तो सुनाई की जा रही है कि कहाँ भी जा रहा है, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। समय अगर सुने तो रोड तैयार हो जाए। बारिश के पहले तो अभी आषाढ़ का महीना आ रहा है, लगभग एक महीने में तो हजारों से ऊपर मान लो जो है ना, और मंगलवार को तो कई हजारों का जो है रहता है, एक आध दो हजार की क्या गिनती जो है। बहुत परेशानी रहती है। मंगल शनिवार लोग जो है छोटी गाड़ियां लेकर के तो आ ही नहीं पाते। समस्या ये है कि अब बरसात फिर आ रहा, आषाढ़ का महीना आ रहा, अगर रोड नहीं बनता है तो फिर और जो है दर्शनार्थियों को बहुत जो है लाखों की भीड़ होती। फिर करीब करीब हमें लगता है 2-400 लोगों से तो हमने कहा ही है कि जो अच्छे लोग सम्रांत लोग आएंगे कि भाई ये रोड बनना चाहिए। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए? जनप्रतिनिधि तो अभी नहीं आए, लेकिन हाँ राकेश जी से भी कहा गया है, गोस्वामी जी से, उन्होंने आश्वासन दिया। और जो है MNC आए थे जितेंद्र जी, उनसे भी कहा तो बोले जो है रोड के गर्मी ये बरसात के पहले रोड बन जाएगा, बोले ऐसा आश्वासन दिया गया। जनपद महोबा के महोबा विधानसभा का ये काकुन स्थान है, बजरंग बली का बहुत बड़ा स्थान है, प्राचीनतम स्थान है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। महीने में यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन आज यहाँ की जो सड़क की दशा है, आज आप देखें कि कम से कम 10 से 15 साल पुरानी ये सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है। निकलना दूभर है यहाँ पर लोगों का। अभी यदि इसी तरह बना रहा तो निश्चित है कि बुंदेलखंड का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। लाखों भक्तों को परेशानी होती है। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना सदैव से सड़कों के लिए लड़ाई और आंदोलन करता चलाया है। आज हमने इस सड़क के लिए भी प्रयास किया है कि ये सड़क जल्द से जल्द बने, अन्यथा की स्थिति में हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और आंदोलन पर बाध्य होंगे और सड़क को बनवाने का काम करेंगे। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।